आज श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शरीर की सामग्री क्या होती है और हमें किस तरह से उसमें बरतना चाहिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, जिसके पास कोई संकल्प नहीं है और फिर भी वह हर दिन विजयी होता है। तो विनिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, वो ईश्वर हमें समझा रहे हैं किस तरह से जीता जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूत्र है। आइए सबसे पहले अनुवाद देखते हैं। श्लोक नंबर है 21, अध्याय है 4, और अनुवाद के बाद मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आते हो उनको, अथवा आपको लगता हो कि मैं कहीं गलती कर रही हूँ उनको, दोनों को ही आप नीचे कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुवाद इस प्रकार है, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी हमें। गौतम बुद्ध के कंधे पर एक मक्खी आकर बैठी थी और उन्होंने उस मक्खी को उड़ा दिया। अब मक्खी तो उड़ गई, फिर वापस चंद पलों में फिर उन्होंने कंधे पर हाथ घुमाया जैसे मक्खी उड़ा रहे हो, फिर चंद पल हुए उन्होंने फिर अपने कंधे पर हाथ घुमाया कि जैसे मक्खी उड़ा रहे हो। अब आनंद जो उनके साथ रहते थे, जो उनके बड़े भाई थे और जिन्होंने गौतम बुद्ध से ही दीक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने पूछा, उन्हें क्वेरी थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा। तब बुद्ध ने जवाब दिया, जब पहले मेरे शरीर पर मक्खी बैठी थी ना, तब मेरा शरीर उसको रिफ्लेक्स करता है और अनायास ही अपने हाथों से मक्खी को उड़ा देता है। मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ, पूरे होश में। इसीलिए बाद में मैं अभ्यास कर रहा था कि होश में मक्खी को कैसे उड़ाया जा सकता है। ये बात थोड़ी बचकानी लगती है ना, पर आप देखो, आप भी आपके पूरे जीवन में यही चीज़ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है खाना खाने की, और क्या हम खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खा रहे होते हैं, भोजन लेते वक्त क्या सिर्फ वही ले रहे होते हैं, या हम कहीं मार्केट में होते हैं या मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मन में विचार चल रहे होते हैं, क्या सही में हम भोजन करते वक्त सिर्फ भोजन लेते हैं? वैसे ही नहाते वक्त क्या सिर्फ नहाते हैं? नहीं। अर्थात हम हर एक काम जो करते हैं ना, वो बेहोशी में करते हैं। सद्गुरु भी कहते हैं ना, यू हैव टू लर्न इनर इंजीनियरिंग, आपको इंटरनल इंजीनियरिंग सीखने की ज़रूरत है। अब हम तो ये कहते हैं कि हमारा शरीर फुल्ली मैकेनाइज्ड है, अपने अपने हिसाब से काम करता रहता है। ज़रा सोचो, यदि हमारा दिल अपने आप न धड़कता हो और हमें धड़काना पड़े तो क्या 70-80 ईयर्स तक कोई जी पाएगा? एक सेकंड चूके नहीं कि गए। हमारे शरीर में जो खून घूमता है वो भी मैकेनिकली घूमता है, ऑटोमेटिक। यदि इसे भी हमें घुमाना पड़े तो, हमने खाना खाया हो और हमें पचाना पड़े तो। इसीलिए हमारा शरीर जो है ना, वो एक यांत्रिक संरचना बनी हुई है। पर आपको पता है, जो हम बुरी आदतें शरीर को लगा देते हैं, जैसे सुबह जगे और यदि हमें चाय पीने का टाइम हमारा 6:30 बजे का है सुबह का, और यदि हमने 7:30-8 बजे चाय पी तो उससे पहले सिर दुखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम चला गया, शरीर ने याद दिला दिया कि भाई ये तो तुम्हारा चाय पीने का टाइम है, रोज़ तुम इस टाइम पे चाय पीते हो, तुमने नहीं पिया तो अब कुछ भुगतना पड़ेगा। जिसको सिगरेट पीने की आदत होती है, ज़रा उनके पास जाना और उन्हें ऑब्जर्व करना, कितना बेहुदा लगता है ना, धुआं अंदर खींचते हैं और धुआं ही बाहर निकालते हैं। आप सोचिए
कोई होश में व्यक्ति होगा तो क्या ये कर पाएगा? ये सारी चीज़ें बेहोशी में होती हैं। कॉफ़ी पीने का टाइम हो जाता है, दोपहर को 4 बजे कॉफ़ी चाहिए, मतलब कुछ भी है चाहिए कॉफ़ी आपको। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ने बोल दिया, भले ही 3 बजे खाना खा के खड़े हुए हो आप, पर 4 बजे कॉफ़ी चाहिए। अब भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीत सकता है, पूरी तरह से जीता हुआ है। कौन? जिसने अपना अंतःकरण इंद्रियों के सहित जीता हुआ है, जो अपने आप को अपनी इंद्रियों से जीत चुका है। अब अपने आप को कैसे जीतना होता है? एक साधु की बात याद आती है। एक राजा साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या साधना करते हो, ज़रा मुझे बताओ। साधु कहता है, साधना कुछ भी नहीं करता। तब राजा पूछते हैं, तो फिर आपके चेहरे पर ये तेज कैसा है, आप इतने सुलझे हुए कैसे हैं? तो साधु जवाब देता है, कुछ भी नहीं करता, जब नींद आती है तब सोता हूँ, जब आँख खुल जाती है तब उठ के बैठ जाता हूँ, जब भूख लगती है तब खाना खाता हूँ, जब प्यास लगती है तब पानी पीता हूँ। मैं अपने शरीर को सोच समझ के चलाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सिगरेट पीने का मन करे हम तब सिगरेट पी लेते हैं तो ये साधना है, नहीं हुई। आप देखो, आप आपके शरीर में क्या डाल रहे हो। शरीर को उस धुएं की आदत पहले किसने डाली थी? वो आपने डाली थी। फिर तो शरीर मैकेनिकली मांगता रहता है कि हाँ अब मुझे ये दे दो। पर हमारे करने में और ईश्वर के करने में बहुत अंतर है। जैसे बुद्ध या राम या कृष्ण भोजन करते थे, क्या हम उस तरह से भोजन कर पाते हैं? क्या हम पूरे होश पूर्ण रहकर भोजन ले पाते हैं? यदि हम 2 सेकंड भी होश पूर्ण रहकर सिगरेट पिए ना, तो हम सिगरेट नहीं पी सकते, हमसे छूट जाएगी, क्योंकि हमें बेहुदा लगेगा। हमारा शरीर जो हमारी क्लॉक है ना, शारीरिक मैकेनिकल क्लॉक जो हम बॉडी क्लॉक कहते हैं, 11 बजते ही भूख लग जाती है। और हाँ, मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती है, भूख लगती है फिर हम कहते हैं घंटा भर हो गया, अब तो भूख मर गई, अब मैं खा नहीं सकूँगी। हाँ, ये चीज़ होती है, पर क्या सही में अंदरूनी तौर पे जाके देखेंगे तो क्या शरीर को भोजन की आवश्यकता थी? क्या सही में भूख लगी थी शरीर को? अगर भूख लगी होती ना, तो 1 घंटे बाद और बढ़ती, ना कि मर जाती। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपने उन चीज़ों को डीले कर दिया, इस वजह से बॉडी को लगा कि अब शायद ये चीज़ उसे नहीं मिलेगी, इस वजह से उसने भी उस चीज़ को जाने दिया। तो इसको भूख मरना नहीं कहते, ओरिजिनली आपको भूख लगी ही नहीं थी। क्या काफ़ी बार ऐसा नहीं होता कि नींद नहीं आ रही होती तो भी आप जाके सो जाते हो और बस करवटें बदलते रहते हो? आँख खुल जाती है तो भी पड़े रहते हो और करवटें बदलते रहते हो? जो सही में सधा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसकी यदि आँख खुल जाती है तो वो बैठ जाता है, यदि उसको नींद आ रही होती है वो उसी वक्त सोता है। भले ही रात के 3 बजे हो, यदि उसे नींद नहीं आ रही तो वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे वो डेवलप हो सके, ना कि सोने के लिए अपनी बॉडी को जबरन बोलेगा कि नहीं अब तू सो जा, तेरा टाइम आ गया। नहीं, एक और चीज़ भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया। हाँ, भोगों की सामग्री। आप देखिए, यदि हमें एक मोबाइल की ज़रूरत होती है ना, तो आजकल तो 2-2 मोबाइल रखने का ट्रेंड चल रहा है, लोगों के पास 2 मोबाइल होते हैं, वो भी कम पड़ते हैं। यदि 10 जोड़ी कपड़ों की ज़रूरत है, 2 घर में पहनने के लिए, 2-3 जोड़ी बाहर जाने के लिए, तो भी हम 500 कपड़े खरीद लेते हैं। और उसके बाद भी स्पेशली फीमेल ये अवश्य बोलती है कि उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े ही नहीं है। बचकाना है ये, जितनी ज़रूरत हो यदि उतना लेना सीख लेना हम, फिर वो चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे सोना हो, यदि हम जितनी आवश्यकता है बस उतना लेना शुरू कर देना,
तो भी हमने हमारा जीवन बहुत आसानी से हम गुजार सकते हैं और हम अपने आप को सक्सेसफुल भी कह सकते हैं। पर आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे मैंने पहले कहा था ना, हर कोई दूसरे के साथ होड़ में लगा है। अगर नोकिया का फ़ोन है तो सैमसंग का चाहिए, सैमसंग का है तो आईफोन चाहिए, और उसमें भी आईफोन 15 चाहिए, और शायद आगे कोई और वेरिएंट आएगा तो वो भी चाहिए। मतलब ये सिर्फ आपकी वांट है, आपकी नीड नहीं। जब आप आपकी नीड से, ज़रूरत से जीना शुरू करेंगे ना, तब आपकी ख्वाहिशें इतना उफान नहीं मारेगी। और भगवान यही कहते हैं कि जो अंतःकरण से, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जो जानता है कि शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ऑबेसिटी आएगी ही नहीं, व्यक्ति कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तभी वो चीज़ करेगा जब सही में उस शरीर को आवश्यकता होगी। अगर भोगों की सामग्री का परित्याग कर देगा, मतलब भोग के लिए सामग्री नहीं चाहिए, शरीर के लिए सामग्री आवश्यक है, पर भोग के लिए अति जो चीज़ें करते हैं ना, वो ना करें। ऐसा आशा रहित पुरुष, ऐसा जो पुरुष है जिसमें फालतू की डिज़ायर्स नहीं है, शरीर संबंधी कर्म, वो शारीरिक संबंधित सारे कर्म करेगा, खाएगा पिएगा। आप देखो, कृष्ण जैसा आनंदित व्यक्ति आपको कोई और देखा है कभी भी? आज भी उनके नाम से रास लीलाएं होती है, आज भी उनका श्रृंगार वैसा ही होता है। पर आप देखिए, इतना आनंद में जीने वाला व्यक्ति कोई और है नहीं, है ना? पर वो आशा रहित है, उन्होंने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, और जितनी आवश्यकता है उन्हें पता है किस चीज़ की आवश्यकता है, वे वही देंगे। तो इसीलिए वही व्यक्ति किसी भी तरह के पाप को प्राप्त नहीं होता। पाप उसी को बोला जाता है जो अज्ञानता में किया जाता है, ज्ञानी कभी पाप करते ही नहीं। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।